हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए माय इंस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेल, टुडे आई एम शेयरिंग विद यू पुशपुल एम्पलीफायर इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। नो डाउट दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ द डिप्लोमा एंड द बीटेक। ऑल द डिफिकल्ट टॉपिक इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग आर अवेलेबल ऑन माई चैनल। इफ यू वॉन्ट टू लर्न देन प्लीज चेक आउट माई वीडियोज according to your need and subject, you can check out through my playlist. So let's get started. So first of all, we see the diagram. It's only seem to be difficult, but it is so easy. It's not difficult. First of all, we have to draw the input V in and then input transformer. Transformer is to be considered both the side, the input side and the output side. Then two transistor are situated, that is Q1 and Q2. तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज करूंगी, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज ही बोल रही हूँ। समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले वी इन हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ से पावर सप्लाई आती है, उसके बाद इनपुट ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये दोनों साइड लगेगा, इनपुट ट्रांसफार्मर और आउटपुट ट्रांसफार्मर। हमने बस क्या करना है, कॉइल बनानी है, बीच में टू लाइंस हम बनाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग्स हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, Q1 और Q2, दीज आर ट्रांजिस्टर्स जो कि हेल्प करेंगे बायस करने में। ये बायसिंग के थ्रू चलता है, ठीक है। इसके बाद हम इसके एक पॉइंट को, जो सेकेंडरी वाइंडिंग की एक पॉइंट को सेंटर में से लेकर हम ग्राउंड कर देंगे, और Q1 के इस वाले पॉइंट से हम लोग ट्रांसफार्मर को अटैच करते हैं, आउटपुट ट्रांसफार्मर को। बुक में देख के आप जरूर कंफ्यूज हो सकते हो इस डायग्राम को देखकर, बट इस सर्किट डायग्राम को मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाकर दिखाया है आप लोगों को, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपली आप इसको देख देख के ड्रॉ करो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको सबसे पहले वी इन बनाना है, उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ आपको बनानी है इनपुट ट्रांसफार्मर, उसके बाद उसको आगे बढ़ाते हुए आपको दो ट्रांजिस्टर कनेक्ट करने हैं, उसके बाद ट्रांजिस्टर से ही आगे बढ़ाकर आपको आउटपुट ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना है, और आउटपुट ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाली वाइंडिंग है उसके आपको कनेक्ट कर देना है लोड। तो ये वाला जो पुशपुल एम्पलीफायर है, ये क्लास बी एम्पलीफायर है, ठीक है, और ये बिल्कुल सेम है क्लास ए की तरह, एक्सेप्ट इसकी जो ये जो डिवाइस है बायस्ड होती है कट ऑफ पे, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी ये दोनों सेम है। उसके बाद बात करते हैं इसके एडवांटेज, यानी कि एडवांटेज की मेरिट्स की, ठीक है। सबसे पहले है ऑब्टेन ग्रेटर पावर आउटपुट, यानी कि जितनी हम इनपुट देते हैं उससे 4 गुना ज्यादा हमें आउटपुट मिलता है, 4 टाइम ज्यादा मिलता है। सेकेंड है हायर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो हायर होती है, दैट इज 78.5%। इसको हम डेराइव भी करेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद डी मैरिट्स यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, हार्मोनिक डिस्ट्रॉशन बहुत ज्यादा होता है इसमें, और इसमें अपना कोई भी सेल्फ बायस नहीं होता, यानी कि हमको इसको बायसिंग देनी पड़ती है ट्रांजिस्टर के थ्रू। उसके बाद जो सप्लाई वोल्टेज होती है, मस्ट बी गुड रेगुलेटर, ठीक है, जो सप्लाई वोल्टेज उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसके जो रेगुलेटर्स हैं वो भी। उसके बाद है इसकी एप्लीकेशन, यानी कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम पुशपुल एम्पलीफायर को, वो बताती हूँ। पोर्टेबल रिकॉर्ड प्लेयर्स में यूज़ होता है, स्टीरियो एम्पलीफायर्स में यूज़ होता है, हाई फिडेलिटी रेडियो रिसीवर्स में यूज़ होता है। अब इसके ऑपरेशन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो जो सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर होता है ना, वो डेवलप करता है 2 सिग्नल दैट आर आइडेंटिकल बट नॉट इन फेस पोजीशन। वो दोनों आइडेंटिकल यानी कि सेम तो होते हैं बट फेस पोजीशन में नहीं हो पाते हैं, और जो 2 सिग्नल डेवलप होते हैं ना, Q1 और Q2, इसी से ही ड्राइव होते हैं, यानी कि इसी से ही चलते हैं। तो इसका सिंपल सा मैंने आपको एक पेज का जो समरी थी ना वो बता दी है, कि अगर हम V1 को पॉजिटिव करेंगे तो जो V2 होगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और जो Q1 है वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और Q2 ऑफ हो जाएगा।
आपको इसके ऑपरेशन के लिए आपको आधे पेज की समरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको दो लाइन में बता दिया है कि आपको V1 पॉजिटिव, जब पॉजिटिव होगा तो V2 नेगेटिव हो जाएगा, Q1 जो ट्रांजिस्टर है वो बायस्ड ऑन रहेगा और Q2 ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जो कलेक्टर करंट है यानी कि IC, ठीक है, वो Q1 इंक्रीज करेगा फ्रॉम जीरो टू प्रोड्यूस्ड हाफ साइन वेव, ठीक है, यानी कि वो जीरो से लेकर साइन हाफ साइन वेव जो है वो बना देगा जो IC है। और हाफ साइन वेव बनाने के बाद ड्यू टू फ्लक्स जनरेट, जो भी उसमें फ्लक्स जनरेट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, उससे वो कंप्लीट साइन वेव बना लेता है। उसके बाद सेकंड फेज में क्या होगा, जब V2 पॉजिटिव होगा तो V1 नेगेटिव होगा, जब Q2 ट्रांजिस्टर बायस्ड ऑन होगा और Q1 ऑफ होगा, यानी कि उससे बिल्कुल अपोजिट। सबसे पहले V1 को पॉजिटिव लेंगे, जब ऊपर वाली साइकिल चलेगी ना तो V1 वाला पॉजिटिव होगा और Q1 ऑन होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल के लिए। उसके बाद जब सेकंड साइकिल पर हम आएंगे, उसके बाद जो V1 होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो V1 है वो नेगेटिव हो जाएगा और Q2 बायस्ड ऑन हो जाएगा, Q2 ऑफ हो जाएगा, यानी कि पहले ऊपर वाला पोर्शन चलेगा एक बार एक टाइम पर, नीचे वाला बंद हो जाएगा, फिर नीचे वाला चलेगा और ऊपर वाला बंद हो जाएगा। तो ये दो लाइनों मैंने आपको इसको ऑपरेशन अच्छी तरीके से समझा दिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ये दो साइकिल्स में चलता है। देखिए, मैं कोई भी टॉपिक लेकर के आती हूँ ना, उसके पीछे बहुत सारी स्टडी होती है, मेरी मेहनत होती है, मैं सारा 2-3 पेज का कंटेंट अच्छी तरह से पढ़ के उसकी समरी बना करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपकी जो मेहनत है ना वो बच जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें ना हायर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी आपको बताइए कि 78.5% होती है, इसको हम डेरिवेट करेंगे, हम इसको निकालेंगे कि 78.5% कैसे होती है। ये वाला क्वेश्चन कई बार 6 to 10 मार्क्स में आ जाता है कि आप इसके जो इसका प्रूफ दीजिए कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 78.5 है। तो ये है उसकी डेरिवेशन, जो कि मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसी वीडियो में बताऊंगी ना स्टेप बाय स्टेप करके, तो थोड़ा वीडियो जो है ना वो लेंथी हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप एक टॉपिक को एक बार में समझो, डिटेल में समझो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये वाली जो डेरिवेशन है एफिशिएंसी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पूरी की पूरी डेरिवेट करके, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बुक में से दिखाती हूँ कि जहाँ से भी मैंने एक दो बुक्स को रेफर करके मैं उसका जो समरी है ना वो बनाती हूँ। ये मैंने बुक ली है, अगर आपके पास बुक नहीं है, बाय चांस बुकिश कंटेंट नहीं है, तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड। और ये मैंने लिया है JB गुप्ता की बुक में से, पेज नंबर 359 है आई थिंक, पुशपुल एम्पलीफायर। अगर आपके पास है तो प्लीज उससे पढ़ेगा, AMI का दोनों सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिवाइस ऑफ डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, दोनों सब्जेक्ट का कंटेंट इस बुक में आपको मिल जाएगा। और जो मैंने आपको समझाया था ना दो लाइनों में, वो सिर्फ मैंने आप समझाने के लिए था, आप एग्जाम में पूरा का पूरा लिखोगे, ठीक है, पूरी डिटेल में लिखोगे कि सबसे पहले इनपुट कौन करते हैं, पूरी जैसे बुकिश लैंग्वेज में आपका पैराग्राफ है ना इस तरीके से ही आप लिखोगे। ये सिर्फ मैंने आपको शॉर्ट करके समझाने के लिए लिखकर बताया था कि V1 पॉजिटिव होता है तो V2 नेगेटिव हो जाता है, सिर्फ समझाने के लिए। आपको अगर ऐसा समझाया हुआ लिखोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको जब ही मिलेंगे जब आप पूरी थ्योरी लिखोगे एग्जाम में। तो उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाओगे, सब्सक्राइब जरूर करोगे मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर भी करोगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ। मेरे चैनल पे मिल जाती है आपको पूरी की पूरी हेल्प हायर स्टडीज के लिए, चाहे डिप्लोमा हो, बीटेक हो, या कोई भी एग्जामिनेशन अपडेट्स हो, AMI स्टूडेंट और रेगुलर दोनों के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।